जी तो व्यूअर्स, ये मखनी भरता बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट और कुछ कहते हैं कैसे बनता है। हमने 1 kg बैंगन लिए हैं फुल साइज में और 1 अदद हमने प्याज लिया है, इसको हमने कट कर लिया है, और 1 टमाटर लिया है इसको भी मीडियम साइज में तोड़ लिया है। इसके साथ हमने लिए हैं 2 हरी मिर्ची, इसको भी हमने कट कर लिया है। तो चलिए अब बताते हैं कैसे हम बनता तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने ओवन में बेकिंग के लिए रखना है, इसको हम बेक करेंगे 15 से 16 मिनट के लिए हम इसको लगा देंगे। इससे ज़्यादा जल्द और ईजी बन जाएगा पुलाव हमारा। और इसके बाद इसे पुलाव हम आपको बताते हैं, जिससे आपकी रेसिपी सही ना बन सके। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी रेसिपी बनाना सिखाएं। ओवन में इसको बेक करने से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसको हमें चूल्हे में बहुत कम रखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने बेक इसलिए किया है कि अंदर से बेकना सॉफ्ट हो जाए मुकम्मल तौर पर, और सिर्फ हमें स्किन जलाने की जरूरत पड़े। थोड़ा सा कलर चेंज होने पे हम इसके अंदर लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। Thank you.
बाग कर रहे हैं। जितना ये सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि मखनी भरता है बैंगन का, तो इसलिए हमें इसके कलर का भी बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है कि इसका कलर ब्राउन ना होने पाए। ये स्पाइसेस अच्छी तरह एडजस्ट हो रहे हैं। अब इसके अंदर हमने मक्खन ऐड करना है। ये हमने घर में बनाया मक्खन, इसको तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर रहे हैं। इसकी टेस्ट कमाल का बनेगा। अगर आप चाहें तो लास्ट में थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर मक्खन ही ऐड किया है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अब आप हमारे चैनल फूड एंड फैशन आइडियाज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे, और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है।
क्या बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और हमें दीजिए इजाज़त बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।